हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनप्लस चैनल। अनप्लस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लैंड वायर के ऊपर। अगर आपके पास फाइबर केबल आपके घर में पहुंचा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, तो बेसिकली आपको लैंड वायर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो लैंड वायर अब ऑनलाइन मंगाओगे तो आपको कैसा मंगाना है, कैसा नहीं मंगाना है, बजट के हिसाब से मंगाना है और बढ़िया भी मंगाना है। तो गाइस, अगर बजट के हिसाब से मंगाना चाहते हो तो बढ़िया लैंड वायर तो नहीं आने वाला। देखो, लैंड वायर कैसा भी हो, कैसा भी आपको दे दे लैंड वायर, ठीक है, तो लैंड वायर है जिससे इंटरनेट की स्पीड कभी कम नहीं होती, वो स्पीड सेम ही देगी 100 मीटर तक। उससे ज़्यादा वायर है तो उसमें एक एडेप्टर लगता है, लैंड एडेप्टर, जो कि पावर एडेप्टर होता है, जिससे हमें पावर मिलती है, उसके बाद ही नेक्स्ट आगे बढ़ पाता है, ठीक है। तो 100 मीटर से कम अगर आपका वायर है, कोई भी लैंड वायर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल रहा है, जो कि सस्ते में भी मिल रहा है, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं और सेम स्पीड पा सकते हैं। तो वो जो सस्ते वाला वायर होगा वो सिर्फ इंटीरियर के लिए होगा, और जहाँ पे वो रग रहा नहीं, कटे नहीं, तो वैसी स्थिति में आप उसे बाय कर सकते हैं। अगर आपका वायर कहीं से रग रहा है या फिर धूप पड़ रहा है और बरसात हो रहा है, बार बार ऐसा सिचुएशन आता है, तो वो लैंड वायर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हाई क्वालिटी में आपको जाना पड़ेगा। तो हाई क्वालिटी वायर कैसा होगा, तो हाई क्वालिटी वायर यानी ब्रांड्स में जाओ, अमेजोन ब्रांड्स में जाओ, अमेजोन का वायर लैंड वायर लो, टेराबाइट का लैंड वायर लो, तो उसके भी सस्ते आते हैं और महंगे भी आते हैं। तो वाइट वाला जो होता है महंगा आता है, और जो ब्लू वाला होता है वो सस्ता आता है, तो आप ब्लू वाला चूज कर सकते हैं। तो ब्लू वाला क्योंकि सस्ता आता है, तो आप उसे इंटीरियर में यूज़ करिए, और एक लैंड वायर अगर आप वाईफाई लिए हुए हैं, तो जिससे लिए हुए हैं, अगर मजबूत लैंड वायर लेना चाहते हैं तो जिससे वाईफाई लिए हैं उसके यहाँ से जाकर के लैंड वायर ले सकते हैं, काफ़ी हैवी लैंड वायर आपको मिल जाएगा। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे और अनबॉक्स करते हैं अपना न्यू लैंड वायर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, क्या सेम स्पीड मिलती है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारे पास 25 mm वायर लैंड वायर है, जो कि आपको लग जाएगा वाईफाई में, एंड वाईफाई से आप राउटर में, एंड राउटर से आप लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। ये हमें 25 mm दिया गया, बट 25 mm तो इसमें होता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी जो है इसका रिव्यू जो फ्लिपकार्ट पे है वो मैंने पढ़ लिया। और ये हमें डिलीवर कर रहे हैं हैवेल्स के पॉकेट में, ये हमें डिलीवर कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो हैवेल्स का पैकेट उल्टा करके ये हमें डिलीवर करते हैं। तो अगर आपको वायर ही सही से देना था, सही ढंग का वायर देना था हमें, तो हैवेल्स की पैकेट में ना डिलीवर करके, और ये बोले कि हमारा टेराबाइट नेटवर्क केबल है, और इसमें हमें नहीं लगता कि 6 पेयर होंगे, 4 पेयर्स लिखे हुए हैं, तो 4 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 मीटर, तो हम इसे मेजर करेंगे, तो 25 मीटर वायर तो नहीं आएगा, बट उससे 2-3 मीटर कम जरूर होगा। उसके बाद हमें यहाँ से कट करना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। देख सकते हैं अभी पैकिंग में ही है, तो इसे पैकिंग करके देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये लैंड वायर है तो आपको अच्छे वायर देना चाहिए, कोई भी कुट के अंदर दे सकते हैं, ब्रांडिंग करना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर देख सकते हैं वायर काफ़ी लचीला है, और कवर भी काफ़ी एकदम, वो क्या कहते हैं, काफ़ी नॉर्मल कवर है। तो इसके अलावा जो मेरे पास RJ45 का वायर है जो दिया गया है इंस्टॉलेशन के वक्त, वो काफ़ी हार्ड है और इससे थिक भी है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या सेम स्पीड आती है फिर नहीं आती है। तो ये हमारे पास जो वायर है इसको, सो गाइस, इसमें यहाँ पे शो कर रहा है कि 8 वायर है, बट इसके अंदर क्या 8 वायर इतने छोटे में हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, या ये हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वायर है 25 मीटर का। चलिए हम इसे मेजर भी कर लेते हैं कि 25 मीटर होता भी या फिर नहीं होता। सो गाइस, जो मेरा पहला वाला ये वायर है, देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी थिक भी है, और इसके अंदर काफ़ी मजबूत वायर है, बट इसमें देख सकते हैं आप कि इसे जैसे ही दाबेंगे ये पचक जाता है, ठीक है। तो काफ़ी नॉर्मल क्वालिटी का वायर है, तो हम अभी स्पीड टेस्ट करेंगे, पहले इससे टेस्ट करेंगे फिर इससे, क्या सेम स्पीड आता है या फिर नहीं आता है।